Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to the Dynamite Mail. जब बात आती है sneakers की 10,000, 15,000, 20,000 सब लोग उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा affordable range के अंदर बहुत ही amazing sneakers आज के time पे available है। देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी वो 10-15,000 वाले sneakers के पीछे बहुत ज्यादा भागता हूँ। और रिसेंटली मेरे को एक ब्रांड ने अप्रोच किया टू रिव्यू सम स्नीकर्स, मेरे को लगा कि ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन जब मेरे पास वो स्नीकर्स आए आई वॉज टोटली ब्लोन अवे। मेरा जेन्युइनली माइंड सेट एकदम चेंज हो गया, जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अच्छी लुक आए वो मेरे को उसके अंदर मिली। आज की वीडियो के अंदर हम टोटल 3 स्नीकर्स रिव्यू करने वाले हैं फ्रॉम द ब्रांड एलेवार। ये तीनों स्नीकर्स मेरे को बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन जब मैंने इसको खोल के देखा आई वॉज टोटली ब्लोन अवे। तो मैं आपको प्रॉपर अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं इन तीनों स्नीकर्स की। तो सबसे पहले हम रिव्यू करने वाले हैं रेट्रोगेज स्नीकर्स को। द फर्स्ट थिंग इज द फील ऑफ द बॉक्स इज वेरी प्रीमियम। अब जब इसको ओपन करते हैं देयर इज अ थैंक यू कार्ड दैट आई कैन सी। नेक्स्ट इज आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेट्स ओपन दिस वन। ओके, सो दीज आर द सोल्स, दीज आर द एक्स्ट्रा सोल्स फॉर द परफेक्ट फिट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट्स वेरी थॉटफुल। इसको ओपन करते टाइम मेरे को बहुत ही प्रीमियम फील आ रही है एंड लुक एट दीज ब्यूटीफुल स्नीकर्स, दीज आर द रेट्रोगेज स्नीकर्स। इसके काफी ज्यादा कलर्स हैं एंड दिस वन इज द पैसिफिक सनसेट। तो लेट्स टेक दिस इन आवर हैंड्स एंड लेट्स सी गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट overall बहुत ही प्रीमियम फील है एंड जस्ट लुक एट दिस sneakers, दिस लुक सो स्टाइलिश। देयर इज अ ब्रांडिंग ऑफ एलेवार हेयर एज वेल। देखो सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगी दैट इज द कलर ब्रॉक। ये एक पैसिफिक सनसेट कलर है, इसके अंदर काफी मल्टीपल कलर्स भी आते हैं, यू कैन चूज फ्रॉम देयर। एंड व्हेन यू लुक एट दीज स्नीकर्स दीज लुक सो स्टाइलिश, बेसिकली दीज आर द कैजुअल एंड लाइफस्टाइल स्नीकर्स। एंड बेस्ट चीज मेरे को इसकी लगी, इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी रेट्रो लुक इसके अंदर आती है। एंड व्हेन इट कम्स टू द डिटेलिंग, सबसे पहली जो मैं नोटिस कर रहा हूं दैट इज अ मैश, काफी पतली है and this is a hydrophilic mesh जो कि काफी breathable भी होती है and I can see the suede material as well and generally जितने भी मैंने suede material देखे हैं काफी ज़्यादा वो rough होते हैं, लेकिन this one is very premium and soft and जहाँ तक मेरे को लगता है ये बिल्कुल भी खराब होने वाले नहीं हैं। और बात करें इसके design elements की तो यहाँ पे I can see the leather which is a vegan leather that is again very premium and यहाँ पे आपको पीछे branding दी जाती है एलेवार की। and when it comes to the soles काफी thick sole आपको मिल जाता है in the white color and इसका जो midsole है काफी comfortable है for all day cushion and all day कंफर्ट। बात करें इसके इंसोल के बारे में, अगेन इट इज वेरी कंफर्टेबल, दिस इज अ हनीकॉम ईवीए इंसोल स्पेशली क्राफ्टेड फॉर योर कंफर्ट, आल्सो दिस हैज द सुपीरियर एयर वेंटिलेशन फॉर योर स्वेट एंड ओडोर। तो ओवरऑल स्नीकर्स काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। अब मैं आपको खुद अभी ट्राई करता हूं एंड लेट्स टॉक अबाउट द रियल लाइफ कंफर्ट। इसको गाइस ट्राई करते हैं एंड व्हाट आई एम फीलिंग इज अभी जब इसको ट्राई कर रहा हूं, एक तो मेरे को ऐसी कंफर्ट की थोड़ी थोड़ी फील आने लग गई है साथ में। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट द लुक इज जस्ट अमेजिंग, स्पेशली ये लाइफस्टाइल और कैजुअल स्नीकर्स है, तो आप नॉर्मल कोई भी डेली आउटफिट जो भी पहनते हो अपनी lifestyle के अंदर you can wear that, बिल्कुल एकदम stylish sneaker लग रहा है and the comfort is just amazing। अगर आप parties वगैरह में भी जा रहे हो तो भी आप इस sneakers को पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा classy भी लगता है ये चीज़। and as you can see there are multiple colors as it is a color block sneakers, it looks damn good। guys आपने अभी देखा, आप नीचे comment करके बताओ आपको इसकी look and feel किस तरीके से लगी, let me know in the comment section। let's come on to the next one which is the Elevar's Dayscape edition। let's unbox this and open how's the feel and the comfort। so this one is a glacier white edition, this is a white color guys, the look is very premium and let's see how's the comfort guys, it is very lightweight, bahut hi zyada premium lag raha hai and kafi lightweight hai and to be very honest the overall feel is damn good guys। sabse pehle main aapko iski look dikha deta hu, this looks very classy, aap apni isko normal athletic wear ke sath pehen sakte ho ya daily life mein aap isko pehenna chaho tabhi bhi aap isko pehen sakte ho, overall look is just amazing। overall jo feel hai sabse pehli cheez maine notice kari is the mesh here which is a 3D mesh jo ki काफी ब्रीदेबल रहेगी जब हम इसको पहनेंगे एंड दैट विल गिव यू कंफर्ट। और बेसिकली ये स्नीकर्स परफेक्टली इंजीनियर्ड है फॉर द कंफर्ट। तो यहां पे आप जैसे सोल देख सकते हो व्हिच इज अ राइट फॉर्म सोल जो कि कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करता है, स्पेशली जब हम रनिंग वगैरह के लिए जाएंगे तो सोल इसका काफी कंफर्टेबल है एंड इट गिव्स यू दैट माइनर बाउंसी इफेक्ट। एंड द बेस्ट थिंग इन दिस एलेवार स्नीकर्स इज दैट इट्स अ वन पीस, मतलब ये अटैच्ड वगैरह नहीं है, वन पीस होने की वजह से इट प्रोवाइड्स यू दैट लेवल ऑफ कंफर्ट। और इनकी जो सिग्नेचर राइट फॉर्म सोल है आपको नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट प्रोवाइड करती है, स्पेशली जब आप रनिंग वगैरह करते हो या अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको पहनते हो तो इट विल गिव यू दैट 24 आवर कंफर्ट। इसके बेस की तरफ नोटिस करो तो दिस इज ब्लैक इन कलर, अगेन दिस इज अ रबर सोल। अब इसको हम ट्राई करते हैं और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताते हैं हाउ इज द फील एंड द कंफर्ट। गाइस मेरे को इसके अंदर बेस्ट चीज जो लगी कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रीदेबल सा मेरे को लग रहा है एंड कंफर्ट इज अगेन अमेजिंग एंड स्पेशली ये बहुत ज्यादा लाइटवेट है तो आप इसको पूरा दिन आराम से पहन सकते हो एंड डैम दैट इज वेरी कंफर्टेबल। स्पेशली जो इसकी सोल पे राइट फॉर्म टेक है काफी कंफर्टेबल मेरे को फील करा रही है एंड आई एम श्योर दैट I can wear this all day long। And जब बात करें इसकी look की, आप इसको athletic wear के साथ पहनो या अपनी joggers look के साथ थोड़ी सी casual vibe maintain करते हुए पहनो, it will look damn good। इसके अंदर काफी ज़्यादा colors आते हैं। This one is the glacier white। बहुत सारे options हैं, you can choose from the website। Okay, let's come on to the next one,
which is the Elevars Arc Racer. So let's unbox this as well and see कैसी इसकी look है and feel है. Guys, first impression था मेरे को पहले इसकी packaging काफी ज़्यादा premium सी लग रही है and let's unbox these and these are the Dark Oreo edition, guys. It looks very good and very aesthetic to be very honest. मतलब athletic feel अगर आपको चाहिए, these are the sneakers to go. Again, guys, इसकी हम feel check करते हैं. Again, this is a very lightweight sneakers. When you look at these sneakers, सबसे पहली चीज़ जो notice हो रही है, which is the mesh. काफी ज़्यादा lightweight है and guys ये वाली 3D mesh है जो कि काफी comfort and breathable fabric है. तो जब भी आप इन sneakers को पहनोगे तो ये आपको sweat and odor free रखेगा. That it is a breathable fabric and comfort को और ज़्यादा elevate करने के लिए यहाँ पे इन्होंने soft cushions दे रखे हैं. जब भी आप ये sneakers पहनोगे आपको एकदम से comfort feel होगा because of these cushions. And again when you look at these soles, so this is a ETPU sole which is expanded thermoplastic polyurethane. Again आपको इसके अंदर right foam की sole cushion technology मिल जाती है जो कि again आपका comfort और next level कर देता है. Just एक बार इसकी तरफ लुक देखो, आप इसको जॉगर से पहनो, गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज गोना लुक डैम गुड. जब भी आप जिम वगैरह जाओगे, अपनी डेली लाइफ में पहनोगे या इवन वॉकिंग भी कर रहे हो, इट विल लुक जस्ट अमेजिंग. अगेन इसके अंदर मल्टीपल कलर्स आते हैं एंड दिस वन इज द डार्क ओरियो एडिशन. और बेस्ट पार्ट एक स्नीकर्स का जो मेरे को पर्सनली पसंद है, व्हिच इज द व्हाइट सोल्स जो कि काफी ज्यादा एलिवेट कर देते हैं आपकी पूरी लुक को. एंड कभी कभी होता है जब आप शू का कोई साइज ऑर्डर करते हो ना, हर कंपनी का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जो मैंने साइज चूज किया था मेरे को परफेक्टली वो चीज फिट हुई अपने शू साइज के हिसाब से. गाइस इजीली इसके अंदर फुट मेरा जा रहा है. काफी ज्यादा ब्रीदेबल फैब्रिक है और एक काफी स्ट्रेचेबल भी है, तो इजीली आप इसका रख सकते हो. एंड गाइस इसका जो कंफर्ट है दैट इज नेक्स्ट लेवल. जैसे कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड कुशन्स है, वो कंफर्ट लेवल काफी ज्यादा बढ़ा रहा है. ऑल्सो इसकी लुक भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, स्पेशली हमारी एथलेटिक लुक के अंदर तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. मतलब आप डेली लाइफ में इसको पहनो या इवन आप वॉकिंग करने जा रहे हो तभी भी आप इसको पहन सकते हो. ये आपको 24 आवर्स कंफर्ट देगा बिकॉज ऑफ देयर राइट फॉर्म टेक्नोलॉजी. तो गाइस ये था हमारा थोड़ा सा डिटेल रिव्यू अबाउट दीज एलिवर स्नीकर्स. एंड गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जितना मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ना, ये एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर प्रूव हुआ और बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कंफर्टेबल. एंड लुक वाइज इट इज डैम गुड एंड वेरी क्लासी. तो टोटल मैंने आपको 3 स्नीकर्स दिखाए. द फर्स्ट वन वाज द रेट्रोगेज, वो ऐसा कैजुअल और लाइफस्टाइल स्नीकर है, आप किसी भी आउटफिट आप उसको पेयर कर सकते हो. एंड सेकंड एंड थर्ड व्हिच इज द डेस्केप एंड द आर्क रेसर, ये बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा कंफर्ट आपको ऑफर करते हैं एंड आप इसको थोड़ी सी स्पोर्टी लुक के अंदर आप डेली लाइफ के अंदर भी इसको पहनो तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है एंड आपको कंफर्ट देती है नेक्स्ट लेवल. तो गाइस बात आती है स्नीकर्स की, तो हम बहुत ही एक्सपेंसिव स्नीकर्स की तरफ जाते हैं, तो लेकिन फिर भी आपको अच्छे बजट के अंदर आपको काफी कंफर्टेबल शू ऑफर करता है जो आपको एक अच्छी लुक भी प्रोवाइड करता है एंड एलिवर स्पोर्ट्स इज वन ऑफ देम. तो इन तीनों शूज का जो लिंक है आपको नीचे एक्जैक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यू कैन परचेज फ्रॉम देयर. एंड देयर आर मल्टीपल कलर ऑप्शंस, यू कैन गो ऑन द एलिवर वेबसाइट एंड चूज मल्टीपल कलर्स एज पर योर लाइकिंग. और जाने से पहले आपको नीचे कमेंट करके बताना है कौन सा तीनों के अंदर से आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लुकिंग स्नीकर लगा, तो मेरे को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो और सच में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है और हमारा चैनल द डायनामाइट को भी सब्सक्राइब करना है एंड बी द पार्ट ऑफ आवर डायनामाइट फैमिली. ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीजें आ रही है, हमने अभी रिसेंटली एक ब्रांड लॉन्च भी करा है, तो मेक श्योर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना. यूट्यूब पे हम कुछ टाइम के अंदर वो चीजें प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर देंगे एंड यू विल सी, बट इंस्टाग्राम पे वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और काफी बिग लॉन्च. मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विच इज द डायनामाइट मेल. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. We'll be right back.